तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमने अपनी बाइक के लिए मंगाई कि यूनिक सी चीज़, तो चलो इसका एक यूनिक से अनबॉक्सिंग कर लेते, बस ये डैमेज ना हो जाए यूनिक के चक्कर में। तो ये है वो जो हमने मंगाया है, तो देखते इसके अंदर क्या है। तो भाई इसके अंदर है पहले दो क्लीनिंग वाइप्स जो डिस्प्ले को क्लीन करने के लिए, और ये है डिस्प्ले का गार्ड अपनी R15 के लिए। डिस्प्ले बहुत ज़्यादा स्क्रैच हो जाते हैं, इसके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलो पहले इसको डिस्प्ले को क्लीन कर लेते हैं। गिर गया, उठा लेते इसको, पहले ही गंदा हो रहा है ये। यहाँ पे रखते इसको और पहले इनको ओपन करते हैं। और इसके लिए वाटर चाहिए होगा क्या? मैं ये पानी कहाँ से लाऊँ? मैं दिक्कत हो गई, पानी तो मैं लाया नहीं, और इनसे नॉर्मली क्लीन तो ये होगा नहीं मेरे ख्याल से। हो जाएगा क्या इसको वाटर से क्लीन करना है? नॉर्मली, अच्छा नॉर्मली क्लीन हो रहा है, डस्ट जो पूरा निकल रहा है, धूल देखो। तो पहले कर लेते क्लीन अच्छे से, उसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे भी अपन। फिलहाल ये हो चुका है क्लीन, तो इसको रखते हैं साइड में और इसको करते हैं इंस्टॉल। तो पहले इसको निकालते हैं भाई। एकदम परफेक्ट। तो फाइनली ये इंस्टॉल हो चुका है। आ जाओ, कब कमाओगे तुम? फिर इसको अच्छे से लगा लेते हैं। एयर आ रहा है तो एयर को पहले साफ कर लेते हैं। तो फाइनली इंस्टॉल हो चुका है। तो गाइस फाइनली अपने स्क्रीन गार्ड इंस्टॉल हो चुका है, तो इससे इसका लुक भी इनहेंस हो गया और डिस्प्ले में जो स्क्रेचेस आते थे उससे भी अब अपना डिस्प्ले बच जाएगा। तो ये बहुत यूज़फुल है, आप इसको मंगा सकते हैं। इसका बाइलिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और R15 V3 और MT का भी दे दूँगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो फ्लिपकार्ट से। तो फिलहाल अपना हो चुका है इंस्टॉल, तो चलो चलते, बाय बाय गाइस। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, तो जाकर फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।